ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल और उसके बाद केएल राहुल ने घातक बल्लेबाजी से पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम के नशे से ढीले कर दिए थे। भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले में इतना पहाड़ सामान्स को खड़ा किया, जिसको सुनने के बाद आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों को सलाम करेंगे तो वहीं भारतीय दिग्गजों ने भी तारीफ में खूब कसीदे पड़े। तो चलिए बताते हैं किसने क्या कहा, लेकिन अगर आप भी टीम इंडिया के प्रदर्शन के क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में टॉस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। हालांकि शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ 8 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद शुभमन और अय्यर के बीच एक साझेदारी देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने वनडे मुकाबले में भी टी20 की तरह बल्लेबाजी करते हुए लगभग 12 ओवर में ही 100 के नजदीक स्कोर पहुंचा दिया था। इसके बाद दोनों ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 20 ओवर में भारतीय टीम लगभग 160 रन के पास पहुंच चुकी थी। दबाव ऑस्ट्रेलिया टीम के पास था, चाहकर भी रणनीतियां फेल हो रही थी। कप्तान के सारे फैसले नाकाम हो रहे थे और यह दोनों बल्लेबाज सिर्फ चौके और छक्कों में विश्वास रख रहे थे। यही कारण रहा कि दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपना शतक भी पूरा किया। हालांकि अय्यर 90 गेंद में 105 रन कर आउट हुए, उन्होंने अपनी प्यारी में 11 चौके और 3 छक्के लगाए, तो गिल ने 97 गेंद में 104 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। भारतीय टीम को तीसरा झटका 243 रन के स्कोर पर लगा, जब 35 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बाद मोर्चे को संभाल लिया केएल राहुल और ईशान ने। केएल राहुल ने 2 शानदार छक्के क्रीज पर आते ही जड़ दिए थे, जबकि पहले ही गेंद पर खाता ही ईशान किशन ने छक्के के साथ खोला। उसके बाद ईशान किशन 31 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल के बीच खतरनाक साझेदारी हुई। राहुल ने इस बीच एक से बढ़कर एक शानदार शॉट खेले और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने तो कैमरन ग्रीन के एक ही ओवर में 4 छक्के लगाकर सभी को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। राहुल ने सिर्फ 34 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि सूर्य कुमार यादव सिर्फ 16 गेंद में ही 34 पर पहुंच चुके थे और दोनों की बल्लेबाजी इतनी घातक हो रही थी। टीम 45 ओवर में 350 के नजदीक थी। बता दे कि महेंद्र सिंह धोनी का इस बीच बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने शतकीय पारियां खेलने अपने आप में भारतीय टीम के टैलेंट को दर्शाता है। मुझे उम्मीद है इसी तरह का क्रिकेट आगे भी टीम इंडिया खेलेगी और वर्ल्ड कप भी हमारा ही होगा, क्योंकि युवा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो टीम के अनुभवी खिलाड़ियों के आ जाने से टीम को एक नई ताकत मिलेगी। राहुल की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी अंत में करी। वही कपिल देव ने भी शुभमन गिल और अय्यर की खूब तारीफ करी। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था आज दोनों ही बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हो, बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास देखने को मिली। उन्होंने कहा, टीम इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन है कि युवा खिलाड़ी इतनी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी टीम ने इतना बड़ा स्कोर बनाया। मुझे उम्मीद है टीम इंडिया इसी तरह का प्रदर्शन वर्ल्ड कप में भी जारी रखेगी। युवराज सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी भारतीय टीम की तारीफ में खूब कसीदे पड़े। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के सामने इतना बड़ा स्कोर बनाना अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने यह कर दिखाया। अय्यर और गिल की बल्लेबाजी ने मेरा दिल जीत लिया, जबकि मुझे राहुल की बल्लेबाजी भी अंत में काफी ज्यादा पसंद आई। वह काफी ज्यादा शानदार खेल अंत में खेल गए, लेकिन जिस तरह का खेल पूरी टीम ने दिखाया है, तारीफ करनी होगी। इस तरह से भारतीय दिख गई, उन्हें अपने बयान जारी किया। वैसे आप सभी टीम इंडिया के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं।